हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की रेसिपी ट्रेडिशनल दाल गोश्त की रेसिपी है, जिसको हम चने की दाल और मटन को यूज करके बनाएंगे। इंडिया के कुछ पार्ट्स में लोग इसको दालचा भी बोलते हैं और इसमें चने की दाल के साथ मसूर और उड़द की दाल भी मिक्स करते हैं। बट मेरी रेसिपी में हम इसमें चने की दाल यूज़ करेंगे। बट ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी के फर्स्ट स्टेप में हमें दाल को प्रिपेयर करना है। तो ये 2 कप चने की दाल मैंने ली थी और मैंने इसको 2 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। दाल को आप भिगोकर ज़रूर रखें, इससे इसकी कुकिंग इजी हो जाएगी। भिगोई हुई दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। एक छोटा चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी। प्रेशर कुकर में 3 से 4 विसल लगाकर इस दाल को आपको अच्छे से कम्प्लीटली कुक कर लेना है। देखिए, इस पॉइंट पर 4 विसल के बाद दाल पूरी कुक हो गई थी, तो मैंने उसको इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करा और स्पून की हेल्प से थोड़ा सा उसको ऐसे मैश कर लेंगे और दाल रेडी है, इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हमें इसके लिए प्रिपेयर करनी है मीट की ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो उसके लिए मटन लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसका भी हमें पेस्ट बना लेना है, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर हमें चाहिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हमें चाहिए। मीट ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले 2 बड़ी चम्मच तेल को इस मैंने कुकर में डाला और तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को मीडियम रख के 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक आप मटन का कलर चेंज होता हुआ ना देखें। इस पॉइंट पर मीट का कलर चेंज हो चुका है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो प्याज जिसको हमने पीस के रखा है। फ्लेम को मीडियम ही रख के कुछ मिनट्स के लिए इसको हम कुक करेंगे। इस पॉइंट पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो सारे मसाले जो हमने रखे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला धनिया पाउडर, उसके बाद ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और लास्ट में जाएगी हल्दी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका सारा ऑयल ऊपर सरफेस पे ना आ जाए। तो इस पॉइंट पर देखिए, आप देख सकते हैं सारा ऑयल ऊपर सरफेस पर आ गया है और मसाला भी थोड़ा ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे।
लगभग 5 मिनट कुक होने के बाद देखिए मीट और सारा मसाला अच्छे से आपस में मिल गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि मीट प्रॉपरली कुक हो जाए। प्रेशर कुकर में 3 से 4 विसिल में मैं इसको कुक कर लूँगी। 4 विसिल के बाद कंप्लीट इसका पूरा प्रेशर निकलने के बाद देखिए मीट एकदम टेंडर है और रेडी है और मसाला भी एकदम अच्छी तरीके से पक चुका है। इस पॉइंट पे हम इस मसाले को ऐड कर देंगे अपनी पकाई हुई दाल में। सारा मसाला डालने के बाद दाल और मीट मसाले को अच्छे से मिक्स करें। इस पॉइंट पर दाल काफी थिक है तो उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप दाल ज्यादा पतली पसंद करते हैं तो आप 1.5 से 2 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीट मसाला और पानी डालने के बाद दाल को अच्छे से लगभग 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 4-5 हरी मिर्च बारीक काटकर और थोड़ा सा हरा धनिया, उसको भी अच्छे से बारीक काट के ऐड कर दें। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। दाल अब हमारी रेडी है। इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसे स्लो बॉईल होने दें। दूसरी साइड में हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे एक तड़का। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया और इसे 1 बड़े चम्मच तेल में मैं उसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुका है, इसको हम पोर कर देंगे अपनी तैयार की हुई दाल पर। अच्छे से इसको मिक्स करें और बस इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम रियली श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून विद माई न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।